बहुत है। कम से कहो हम बहुत है। कम से कहो हम बहुत है। हमारा उत्सव और महोत्सव हमारा उत्सव बहुत महोत्सव हमारा उत्सव बहुत महोत्सव। घर का दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे। घर का दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे। घर का दीप जलाएंगे बहुत महोत्सव मनाएंगे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानव मानव एक समाज। बहुत सारे नेताओं का बहुत सारे सामाजिक जो लोग हैं बड़े बड़े लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है और आज हम लोग आपके बीच में रहेंगे आम जनता के बीच में और जानेंगे कि भीम ज्ञान चर्चा का ये जो कार्यक्रम है बौद्ध महोत्सव जो 25 तारीख को 2020 में यहाँ पर हो रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया पर फिर भी कार्यक्रम ये एक हुआ करता था। अभी मेरे भाई बता रहे थे छोटे भाई की कार्यक्रम एक हुआ करता था 25 तारीख को पर आज जो कार्यक्रम हुआ है वो तकरीबन पूरे भारत में हुआ है और 300 जगह ये कार्यक्रम हुआ है। मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपको कैसा लगा ये बताएं आप। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और ये जो जगह जगह हुआ है इससे और हमें अच्छा ही हुआ। लॉकडाउन के समय में हमें और ज़्यादा बड़े रूप में करने का मौका मिला। पहले हमारा वहाँ जनपद पे और जगह हमारा हुआ था प्रोग्राम, राजपथ वगैरह पे हुआ था पिछले साल, वहाँ भी हम लोग गए थे और इसे प्रोग्राम को देख के बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों में जागृति आएगी और हम आगे समाज के लिए लेके जाएंगे। बिल्कुल समाज के लिए लेके जाएंगे। बाबा साहब ने ये जो आज का दिन भी वो किया था कि मनुस्मृति का दहन किया था और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला था, क्या कहना चाहेंगे? क्या महिला को सम्मान मिला था या नहीं मिला था या वैसे ही मनुस्मृति का दहन कर दिया गया था? नहीं तो मिला था महिला को सम्मान जी। आपको क्या सम्मान मिला? बाबा साहब ने तो सभी औरतों को सम्मान दिलवाया था जी। सम्मान बाबा साहब ने दिलवाया था। आप लोग क्या समझते हैं कि बाबा साहब ने कहां तक सम्मान पहुंचाया था? सब दूर तक पहुंचा दिया हम तक। हमें सारी लेडीज मिलकर बाबा साहब को खूब सम्मान बढ़ाया जी। बाबा साहब को सारी महिलाओं को बेशक। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वो इस देश में किसी भी जाति धर्म की होती हों उनको सभी को अधिकार दिया था। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि सभी महिलाओं को अधिकार पूर्ण तरीके से बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से दिया था? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहब का जो एहसान है खासकर लेडीज जी, उन्होंने तो चाहे पंडित हो या कोई भी हो जो लेडीज हो के ले गया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो बाबा साहब करके चले गए। आज हम जो अपने आप को समझदार और पढ़े लिखे और अकलमंद समझते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। शायद अगर बाबा साहब इतना बड़ा काम नहीं करते तो शायद हमारे खुद के पेरेंट्स भी हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो उनका एहसान की कहीं सीमा ही नहीं है। बिल्कुल एहसान की बाबा साहब की कहीं सीमा भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने खूबसूरत लोग लग रहे हैं और जितने ये भीम ज्ञान चर्चा में लोग आए हुए हैं वो सभी लोग बाबा साहब के ऋणी हैं, संविधान के अनुसार चलते हुए भी हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कोट शोट पहन रखा है और बाबा साहब ने तो कोट का बहुत ज्यादा महत्व दिया है और बाबा साहब जहां भी दिखते थे कोट पैंट टाई में ही दिखते थे और वो ये भी चाहते थे कि हमारा हर वर्ग जो है वो कोट पैंट टाई में हो, शादी वाले में नहीं कि एक दिन पहनना है, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। क्या लगता है कि हमारा समाज अब पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? सर हमारे समाज का क्या, सभी समाज की महिलाएं बाहर निकल के आई हैं सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती तो हम लोग बाहर निकल के नहीं आते। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो हम लोग बाहर निकल के नहीं आते, शायद ये भीम ज्ञान चर्चा भी नहीं हो पाता। जी बिल्कुल सही है। ये बाबा साहब ने सब अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाने का और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने का, ISPCS बनने का, सबको स्वतंत्र अधिकार है जी। आप क्या मानते हैं कि क्या अधिकार होगा क्योंकि बाबा साहब की वजह से आप शायद सोने के कड़े भी पहने हुए हैं और एक भीम ज्ञान चर्चा का आपने बैच भी लगा रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज के दिन महिला स्वतंत्र है बिल्कुल। आपके पति ने आने से मना तो नहीं किया? नहीं, मेरे पति आए हैं, वो बैठे जी। बिल्कुल पतियों ने भी मना नहीं किया और पति भी साथ के साथ आए हैं और सभी महिलाएं जो हैं वो पतियों को लेके आई हैं। पहले पतियां लेके आते थे महिलाओं को पर अब महिलाएं पतियों को लेके आती हैं। क्या लगता है आपको कि क्या युवाओं में जितने भी युवा हैं वो भी इस तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी सर बिल्कुल, मैं खुद आज पाँच साल से मैं इस भीम ज्ञान चर्चा मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम कुलदीप अम्बेडकर है और मैं बुलंदशहर के पास पहासू से रहने वाला हूँ। मैं बुलंदशहर में भी मेरे प्रोग्राम हो रहा है लेकिन वहाँ ना होते हुए यहाँ पे मेरे गुरु सूर्यपाल राक्षस जी हैं, उनके यहाँ पे इनकी वजह से मैं यहाँ पे आया ना कि बुलंदशहर गया जी। बुलंदशहर में भी कार्यक्रम हो रहा है जैसे कि मैंने कहा कि कई शहरों में 300 जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं, 300 जगह बुद्ध विहारों में कार्यक्रम हो रहे हैं और भी लोग हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा सर, बहुत आपने मनुस्मृति दिवस देखे होंगे, आज के दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे
दलित समाज में अच्छे नागरिक हुए हैं उनके सबके बारे में ये सब उनके जन्मदिन पर उनके बारे में बताया जाए, पूरे विश्व में फैलाया जाए उनकी जो बिल्कुल पूरे विश्व में फैलाया जाए। आपकी तरफ से क्या रणनीति चल रही है इस बौद्ध धम्म को फैलाने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इतनी अच्छी तरह कवरेज कर रहे हैं। और आज हमारा बहुत बड़ा पर्व है जो बौद्ध महोत्सव हम जो पूरे देश में भीम ज्ञान चर्चा मिशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर पूरे गांव-गांव में घर घर जाकर मना रहे हैं। और ये हमारे बाबा साहब की देन है जिससे कि हम आज अच्छे कपड़े और सब लोग एक साथ होकर के बड़े महोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। बिल्कुल 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 महोत्सव बहुत अच्छे मना रहे हैं। सर ने बहुत अच्छा सूट पहन रखा है, शायद रेमंड्स का या फिर और अच्छी कंपनी का होगा, ये बाबा साहब की देन है। और मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की वजह से ही हमें सिर्फ 8 इंची और 6 इंची का कपड़ा मिलता था, पर बाबा साहब की वजह से ही हमें शायद आज 5 गज की साड़ी भी मिलती है। और बहुत सुंदर साड़ी मैडम ने पहन रखी है और ब्लू कलर की है, गोल्डन उसमें गोल्डन वर्क हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस साड़ी को भी दिलाने वाले बाबा साहब ही थे या आपके पति हैं? जी बिल्कुल, बाबा साहब की वजह से हमें सब कुछ मिला हुआ है, क्योंकि आज 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने वो कलंकित ग्रंथ चलाया था जिसमें महिलाओं को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा था बुरी तरह से। ये तो बाबा साहब पहचाने कि उन्होंने हमको उस दिन मनुष्य स्मृति दहन किया और हम सबको आज़ादी दिलाई। बिल्कुल आज़ादी दिलाई। अभी भाई ने एक बात ये मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको कि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, पर वो देश की आज़ादी थी। पर हमें आज़ादी कब मिली थी? हमें आज़ादी मिली थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू 26 तारीख को हुआ था, 26 जनवरी को। हमें जो आज़ादी मिली थी वो 26 जनवरी को मिली थी, और देश को जो आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त को मिली थी। क्या कहना चाहेंगे, अब आप आज़ाद हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल, पूरे पावर से आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। और तो आज़ादी से बोलिए, आप डर क्यों रहे हैं? आज़ाद के वजह से ही हम सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी की बात है, उन्हीं के देन है जो आज हम सारे लोग इकट्ठा होकर के 300 जगह पे आज जो कार्यक्रम चल रहा है इन्हीं की वजह से है। अगर ये नहीं होते तो आज हम शायद इकट्ठा नहीं हो पाते, इसलिए बड़ी खुशी की बात। बिल्कुल खुशी की बात है। और मुझे तो खुशी की बात ये लगती है कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स और महिलाएँ यहाँ पर आती हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि महिलाओं को ही आगे लाना चाहिए। क्या लगता है इस आज के प्रोग्राम में आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लग रहा है, कुछ जाहिर करेंगे? बहुत अच्छा, मैं गाजियाबाद से आई हूँ इतनी दूर से देखने को। वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए शशि भूषण जी के गाने पे बहुत मनमोहित हुए हैं लोग। मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगा, सीनियर हैं, कोट पेंट टाई पहन रखा है और 25,000 से ज्यादा का फोन भी ले रखा है, ये फोन किसने दिलाया? भीम ज्ञान चर्चा की वजह से आप लोगों को जागरूकता भी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। और मेरा नाम बी एन गौतम है और मैं बुद्ध की धरती महाराजगंज जिले से हूँ, जहाँ बाबा हमारे करुणा के सागर गौतम बुद्ध का पैदाइश हुआ है और हमारे गांव के बगल में ही उनका ननिहाल है, और मैं वहाँ से हूँ और यहाँ नोएडा में रहता हूँ। और जो बाबा साहब की वजह से मुझे मिला है, खासकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र से हैं, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब के देन की वजह से जो चीज़ें हमें मिली, और पिछले कुछ 4-5 सालों से ये जो भीम ज्ञान चर्चा है और बहुत सारी कमेटी जो बाबा साहब के उनके इस मैसेज को दे रही है हमारे समाज को, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और ख़ासकर मैं विनोद बौद्ध जी को और सूरजपाल राक्षस जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये भीम ज्ञान चर्चा के मिशन से पिछले 3 सालों से हमको ये बौद्ध महोत्सव के बारे में पता चला। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने बहुत अधिकार दिया और उसी अधिकार को लेकर के आज भीम ज्ञान चर्चा की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर बौद्ध महोत्सव जो वो कई सालों से मनाया जा रहा है और कई एक एक साल में कई कई बार मनाया जा रहा है। आपने धम्म चक्र की टाई भी पहन रखी है और बाबा साहब ने ये नोट बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किए थे। क्या लगता है भीम ज्ञान चर्चा का ये प्रोग्राम कितना सफल रहा? भीम ज्ञान चर्चा का, मैं भी एक सिपाही हूँ जी, और भीम ज्ञान चर्चा के संरक्षक आदरणीय रमेश चंद गौतम जी और अध्यक्ष सूरजपाल राक्षस जी, विनोद कुमार बौद्ध जी और आयोजक कमेटी के अध्यक्ष लेखराज बौद्ध जी, इनका सबका बहुत ही योगदान रहा है। करीब 10 साल से हम ये बहुत महोत्सव मना रहे हैं और आपके चैनल से सभी को बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक हम संकल्प और लेते हैं आज बौद्ध महोत्सव के दिन कि इस देश के लोग हम लोगों को दलित कहते हैं, पर हम दलित नहीं हैं, हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध रहेंगे। जी हाँ, बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध ही रहेंगे। यहाँ पर बहुत नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इंजॉय किया इस कार्यक्रम को? हाँ। आगे भी आप आएंगे इस कार्यक्रम में? हाँ। आएंगे? हाँ।
बिल्कुल, बच्चों को भी बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। और अभी जिनसे मैं बात कर रहा था वो कोषाध्यक्ष हैं, उनके पास कोष बहुत है, जिसको भी चाहिए उनसे बात कर लीजिएगा। मैं सर से भी जानना चाहूँगा, सर बहुत सालों से मैं आपको जानता हूँ, कौंडली में आप रहते हैं और नोएडा में भी हैं, सब जगह आप काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आज का बौद्ध महोत्सव आपको? सर आज का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक, उत्साहित करने वाला और हमारे मसीहा विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए हुए कार्यों का, उनके द्वारा जलाए गए मनुस्मृति का हम बहुत बहुत अपने को गर्वित महसूस करते हैं। मेरा नाम आरएस दिनकर है, मैं इस बुद्धविहार समिति का सदस्य भी हूँ। बिल्कुल, बुद्धविहार की इस समिति में हैं सभी लोग हैं, और जिनके गानों पे अभी आप थिरक रहे थे, और पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जिसका गाना सबसे बेहतर सुना जाता है वो है मेरा छोटा भाई शशि भूषण। और शशि भूषण जी की वेशभूषा भी बहुत शानदार लग रही है, और आप देख भी रहे हैं कि जितनी अच्छी वेशभूषा और जितना सुंदर इनका मुख है उतनी ही सुंदर इनकी आवाज़ है। ये भी क्या बाबा साहब की वजह से, या चिल्ला चिल्ला के गांव में ही मर जाते हैं कि हार्ट 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 भैंसों को नराते नराते ही ये गले में क्या वो तरावट आ पाती अगर बाबा साहब आपको संविधान में मूल मंत्र दे करके आपको आज़ादी ना दे पाते तो? एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। दो लाइन बोलो। दो लाइन में कि एहसान बाबा तेरा कैसे भुला दूँ मैं, एहसान बाबा तेरा कैसे भुला दूँ मैं, जी चाहता है आप पर सब कुछ लुटा दूँ। बहुत बढ़िया, बस यही सब कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल, लुटाने के लिए बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। पहले कुछ भी नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी, हाथों में कंगन नहीं थे महिला, और खाने पीने की भी हमें आज़ादी नहीं थी। और आज भीम ज्ञान चर्चा की वजह से यहाँ पर हजारों लोगों का खाने का भंडारा भी हो रहा है। आप अध्यक्ष भी रही हैं और आपने कई सारे कार्यक्रम भी किए हैं, क्या लग रहा है इस बार जो एक प्रोग्राम ना होकर के आपने 300 जगह प्रोग्राम कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ फील? बहुत अच्छा फील हो रहा है। भीम ज्ञान चर्चा घर घर जाकर जो जागरूक कर रही है कि हमारे जो पर्व हैं हम उन्हें कैसे मनाएं। आज तक हम दूसरों के पर्वों को मनाते आए हैं, दूसरे के खेतों में पानी देते आए हैं, दूसरों की फसलों को मजबूत करते आए हैं, लहलाते आए हैं, लेकिन आज मेरा समाज जागरूक हो चुका है, अपने पर्वों को मना रहा है, अपनी नींव मजबूत बना रहा है, और बाबा साहब को पढ़ पढ़ कर बाबा साहब से ज्ञान पाकर भीम ज्ञान चर्चा टीम गाँव-गाँव जाकर बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर आज सभी जागरूक हो चुके हैं। और बौद्ध महोत्सव जैसा त्यौहार, बौद्ध महोत्सव जैसा फेस्टिवल, अम्बेडकर जयंती, 14 अक्टूबर, दीक्षा दिवस, कितने हमारे पर्व हैं जो हमें मनाने चाहिए, और भीम ज्ञान चर्चा एक महोत्सव देने का काम करने में सक्षम हुई है। बिल्कुल सक्षम हुई है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि भीम ज्ञान चर्चा का जो बजट होता है वो लाखों रुपए में होता है, और बिना किसी खर्चे के हम लोग ये प्रोग्राम भी कर लेते हैं, क्योंकि आपस में मिलजुल करके हम ये काम करते हैं। आपके साथ ही मैडम बैठी थी, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी, बहुत महसूम है आकर, खुल के बोलिए, बाबा साहब ने खुल के बोलने के लिए कहा, बहुत महसूम है आकर, बहुत ही अच्छा लगा। आदमी जाना जाएगा ना कि जाति से जाना जाएगा। बिल्कुल, कर्म से आदमी जाना जाना चाहिए, ना कि जाति से जाना जाना चाहिए। और जो भी लोग हैं वो लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी पढ़ाई के अनुसार और अपनी जितनी भी पावर है उसके अनुसार जाना चाहिए। मेरे पीछे आप सबसे पीछे देख रहे हैं भीम ज्ञान चर्चा का एक बैनर, और उस बैनर को बनाने वाली जो टीम है वो जस्ट मेरे पीछे है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये सभी, एक वेशभूषा में है, और बाबा साहब की अनुकंपा सबसे ज़्यादा हम लोगों पर है, इस भारत के लोगों पर है, वो इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमें इस लायक बनाया। मैं शुरुआत अपने मित्र से करना चाहूँगा, युवा हैं और बहुत अच्छी टाई लगा रखी है, शादी अभी लॉकडाउन में कर ली, खर्चा भी बचा लिया। जी हाँ, अभी जो मैं बात कर रहा था भीम ज्ञान चर्चा बिना खर्चा, इन्होंने शादी भी बिना खर्चे की कर दी, पार्टी इनसे हम लेंगे सब लोग। कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल बहुत खुश है। जो मंच का कार्यक्रम होता था उसकी दोगुनी खुशी आज है, क्योंकि निरंतर जो प्रयास किया, काम किया, उसका रिजल्ट आज मिला है। विभिन्न जिलों में आज बौद्ध महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, और पिछले 10 दिन से जो तस्वीरें प्राप्त हो रही थी घरों को सजाने की, बुद्ध विहारों को सजाने की, बाबा साहब की प्रतिमाओं को सजाने की, साफ सफाई की, उनसे तो और अच्छा दिल खुश हो गया। मेरी जिंदगी का पहला बार इतना अच्छा मैंने देखा
कि बहुत महोत्सव सजाए गए। इससे पहले कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉनिक लड़ियों से बुद्ध विहारों को सजाया गया हो। तो बेहद खुशी का दिन है, सब लोगों ने इस दिन को एंजॉय किया। बहुत महोत्सव की सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप बहुत महोत्सव में तन मन धन से लगे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ, कितने लोग यहाँ पर पहुँच पाए? यहाँ लगभग 2000 के लगभग लोग थे जी। हर बार हम ये प्रोग्राम ग्रेटर नोएडा के अंदर मंच के माध्यम से बनाया करते थे। इस बार हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों में हम इसको मनाएं। लगभग 500 बोध विहार, 500 अंबेडकर भवन में फूल मालाओं के साथ बोध महोत्सव मनाया गया है। इसमें मीडिया का भी, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे भीमयान चर्चा मिशन से जुड़िए और लगातार इस बोध महोत्सव को अगले 5 सालों में पूरे भारतवर्ष में स्थापित करना चाहते हैं जी। बिल्कुल, मेरी जानकारी जो थी वो शायद गलत थी कि मैंने कहा 300 जगह हो रहा है, पर 300 जगह नहीं, यहाँ तो 300 और 500, 800 जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है भीम ज्ञान चर्चा की पूरी टीम को। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप दिन रात लगे रहे, मैं कई बार यहाँ पर आया और आप यहाँ पर मौजूद रहे, इतनी ठंड में ये लोगों को आपने बुला कैसे लिया? सर, ये ऐसी आग है, डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसी आग हैं कि जिसके सीने में एक बार जल जाए वो लौ बुझती नहीं है, वो कंटिन्यू एक से दूसरे को रोशन करती है, दूसरे से तीसरे को रोशन करती है। और बहुत महोत्सव हमारी टीम ने प्रचार प्रसार और मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने जो सहयोग दिया उससे प्रचार प्रसार में 4 चांद लग गए। हमारे बुद्ध विहार की जो कवरेज आप लोगों ने देखी जो दी, और जो सहयोग, जब रात में बुलाया तो सभी मित्र रात में आए, दिन में बुलाया तो सभी मित्र रात दिन में आए, और प्रचार में प्रसार में और जो मैनेजमेंट में सहयोग किया वो काबिले तारीफ था हमारी टीम का। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत महोत्सव की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल, लख लख बधाइयाँ हैं। और आप युवा हैं और सबसे हाइट में लंबे भी लग रहे हैं, उससे भी लंबे हैं। और आपने अभी बताया कि मैं बाबा साहब की तरह हिंदू तो पैदा हुआ था और हिंदू मरूंगा नहीं, आपने बुद्धिज्म क्या अपना लिया है? ये तो बाबा साहब ने ही, मतलब 25 दिसंबर 1927 को गुलामी हमारे ऊपर से समाप्त कर दी, लेकिन वो समाज में लागू रही। और बाबा साहब ने हमारे समाज को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दिशा दे दी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बौद्ध धर्म अपना लिया है? मैं वही बता रहा हूँ कि लेकिन मेरे समाज में मेरा परिवार उसी गुलामी में रहा, लेकिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें बौद्धिस्ट बना दिया था। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ उसी दिन से मैं अपने आप को बुद्धिस्ट कहता हूँ। बिल्कुल, बुद्धिस्ट कहते हैं। क्या लगता है आपको कि कितने बुद्धिस्ट यहाँ पर आए थे और कितने नॉन बुद्धिस्ट थे? हमारे यहाँ पे जो सभी लोग पहुँचने वाले थे उसमें मैक्सिमम लोग बौद्धिस्ट थे, और जो बाकी लोग थे वो अम्बेडकरवादी तो कम से कम है, जो बाबा साहब का अनुसरण करते हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। तो भी कुछ आज मैं हूँ, अपने बारे में अगर विशेष रूप से कहूँ तो मैं आज से 10 साल पहले एक सब्जी विक्रेता था, और आज बाबा साहब के संविधान और शिक्षा की वजह से मैं आज समाज में एक वकील के रूप में स्थापित हो चुका हूँ। बिल्कुल, यानी कि धोती कुर्ता वाले थे, कोट पैंट वाले बना दिए। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत जगह आप बहुत शहरों में घूम रहे हैं, पूरी टीम घूम रही है, कितनी थकावट महसूस हो रही है या खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, थकावट नाम को भी नहीं है। हम रात को 1:30 बजे रात भी हम प्रोग्राम में ही थे नया आवास में, और उसके बाद में सुबह ही 7 बजे उठ के हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कराया, फिर उसके बाद में फिर हम तैयार होकर फिर 9 बजे आ गए यहाँ पे। तो हमें कोई अभी तक कोई थकावट नहीं है, खाना भी हमने सबसे बाद में ही लिया है। तो हम पूरी, हमारे बहुत महोत्सव है, ये हमारा उत्सव है, हम इसे जोर तोर से मनाने के लिए अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाना पीना भी भूल जाते हैं। वर्तमान के अध्यक्ष भी इस साल के कोरोना टाइम के जो अध्यक्ष हैं वो बड़े सॉलिड लग रहे हैं, सब कोरोना को भगा दिया इन्होंने और कितने सारे जगहों पे इन्होंने प्रोग्राम कर दिया। सर, पहले तो एक अध्यक्ष एक ही प्रोग्राम कर पाता था, पर ये कैसा अध्यक्ष है कि 800 जगह प्रोग्राम कर डाला, ये क्या जादू मंत्र है? आप सब लोगों को पहले तो सबका साधुवाद, जितनी भी टीम हमारे साथ काम कर रही है, चाहे सोच के कर रही है, चाहे टीवी से कर रही है, चाहे सोशल मीडिया से कर रही है, सबका साधुवाद, सबको धन्यवाद। ये हमारा कंटिन्यूस प्रोग्राम है, आज का विशेष प्रोग्राम नहीं है, हम पिछले 10 सालों से 20 सालों से काम करते रहे और करते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है जी। संकल्प तो सभी ने ले रखे हैं, बाबा साहब ने भी संकल्प लिए थे बहुत सारे, और उसी संकल्प की वजह से हम कोट पैंट टाई वाले बन पाए हैं। सर, क्या लगता है कि खाना पूरा बढ़ पाया या अभी कमी पड़ गई है? बचा है खाना, तो बचा है। हाँ, जितना खाना खा सकते हैं अभी वो चल रहा है, और ये जितना भी प्रोग्राम हुआ ये भीम ज्ञान चर्चा मिशन के थ्रू हुआ है।
जी, भीम ज्ञान चर्चा के थ्रू ये हुआ है और लास्ट कार्यक्रम जो हुआ था वो मैडम के थ्रू हुआ था। उपाध्यक्ष के रूप में ये रही थी वहाँ पर और मनसाल मंच पे बहुत एक्टिव भी रही थी। क्या इस बार भी आप एक्टिव थे इस प्रोग्राम में? जी बिल्कुल, हमने प्रचार प्रसार पूरी तरह से किया है और कोई समय भी नहीं देखते हैं प्रचार प्रसार का। बौद्ध महोत्सव के लिए हम लोग में एनर्जी बढ़ चढ़ कर आ जाती है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं लगता कि पुरुष ही काम करेंगे, हम महिलाएं घर में बैठ के आराम करेंगे? नहीं, पूरी टीम पुरुषों की है, मैं अकेली महिला हूँ। भीम ज्ञान चर्चा मिशन में मैं अकेली महिला हूँ और इनसे सबसे आगे रहने की कोशिश करती हूँ और रहती हूँ। बिल्कुल, भारत में आबादी जो है पुरुषों से अगर आबादी देखी जाए तो बिल्कुल आधी आधी है, आधी ही पुरुष हैं और आधी ही महिलाएं हैं, पर इन सब पुरुषों पर एक ही महिलाएँ हमारी भारी हैं और ये बहुत साधुवाद की बात है। पूर्व के भी अध्यक्ष यहाँ पर हैं, बहुत जगह देखा नहीं जाता ऐसा कि अगर एक अध्यक्ष है दूसरा है तीसरा है चौथा है तो वो शायद नहीं मिलते हैं, पर यहाँ तो सारे अध्यक्ष ही, मेरे ख्याल से सारे अध्यक्ष ही हैं और हर साल लाइव लॉर्ड बुद्धा की तरह ही कमेटी में पद चेंज किए जाते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या मायूसी नहीं है कि इस बार का अध्यक्ष मैं नहीं बना, पर आप तो हंस भी बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी टीम में यही एक खूबसूरती है कि जो बाबा साहब का मिशन है, जो हमारा बौद्ध महोत्सव है, बुद्ध भगवान के जो नियम हैं उनके हिसाब से हम लोग चलते हैं। हम किसी चीज़ में भेदभाव और इस तरह की भावना नहीं रखते जी। हमारे सभी साथी एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी कंधा हमारा ऐसा नहीं है जो पूरी मजबूती से कार्य ना करे, चाहे वो अध्यक्ष रहे या ना रहे। बिल्कुल, चाहे कोई अध्यक्ष रहे ना रहे, पर इस अध्यक्ष की एक खासियत बता दूं, इनसे मिलोगे, इनकी दुकान पे जाओगे, ऑफिस पे जाओगे तो बिरयानी जरूर खिलाएंगे, चाहे वेज चाहे नॉन वेज। मैंने कई बार खाई है। सर, खाना आपने खाया कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। आपकी टीम का खाना था इसलिए अच्छा था या अभी मैंने खाया नहीं है इसलिए अच्छा था? नहीं, सब लोगों ने खाया, बड़ा प्रेम से खाना खाया और बहुत अच्छा खाना खाया। हलवाई ने भी मन लगा के खाना बनाया है, वो बहुत महोत्सव के उस सब उसने भी धूमधाम से बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महोत्सव की, बौद्ध महोत्सव की एक विशेषता ये है कि जो भी लोग इस बौद्ध महोत्सव में अपना काम करते हैं, चाहे वो फूल वाला हो, चाहे टेंट वाला हो, चाहे पानी वाला हो, चाहे हलवाई हो, चाहे आलू वाला हो, चाहे मैं खुद एक एंकर न्यूज़ वाला हूँ, सभी बुद्धिस्ट होंगे और बुद्धिस्टों से ही काम कराया जाता है, अपना पैसा अपने पास रहे। क्या ये सही है कि अपना पैसा अपने लोगों के ही पास जाए और कमाए, दो पैसे अगर फालतू भी ले रहा है तो अपने बंदे के पास जाए? ये बुद्धिजीवियों का संगठन है और इसमें बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता, हमारे बौद्ध अनुयायी इतने अच्छे हैं कि पैसा कहाँ से कितना दे दे ये पता ही नहीं चलता और बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। और हम लोग हर साल बौद्ध महोत्सव मना रहे हैं और बहुत अच्छा खर्च करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं, आपने हर साल कवरेज की है और हम ऐसे ही इस बौद्ध महोत्सव को मनाते रहेंगे। हमारे बौद्ध अनुयायियों को बहुत बहुत साधुवाद और मैं यही कहूँगा अंत में कि बौद्ध महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोट पेंट टाई बाबा साहब ने दिया था, एक राजनीति में एक वेशभूषा ये भी दी गई थी। बिल्कुल, कुर्ता और जैकेट पहन के आप अपनी राजनीति कर सकते हैं और अपने देश को आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या बाबा साहब के बाद हमारा देश आगे बढ़ा और हमारा समाज भी आगे बढ़ पाया है क्या? हाँ, हमारे बाबा साहब ने जो है काफ़ी उनके अथक प्रयास से जो है हमारा समाज बाबा साहब के बताए रास्ते से काफ़ी आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता रहूँगा ऐसे बढ़ता रहे ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है बाबा साहब के पदचिन्हों पे थोड़ा बहुत बढ़ती रहे और हम आगे कामयाब होते रहें और ऐसे ही अपना बौद्ध महोत्सव मनाते रहें। बिल्कुल, बौद्ध महोत्सव मनाते रहें। बौद्ध महोत्सव की एक खासियत और है कि बौद्ध महोत्सव जो है वो एजुकेशन पे भी ध्यान देता है। क्या आपके परिवार में भी सब एजुकेटेड हैं या अभी भी कुछ रह गए हैं? यस, पहले तो मैं आपको आज बौद्ध महोत्सव के 25 दिसंबर की धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आपके टीवी चैनल को भी, जो मैं आपका भी रात को जब मैं समय मिलता था मैं बहुत आपके देखता हूँ और सुनता हूँ और आप भी बाबा साहब के मिशन में अपना पूरा तन मन धन से आप साथ दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जहाँ तक आपने बताया कि अभी पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे पुत्रवधू हैं, चाहे मेरी बेटी है, चाहे बेटा है, और आपका आशीर्वाद सब सर गवर्नमेंट पर है और वो सारा बाबा साहब के सर जाता है, बाबा साहब की बदौलत ही हम लोग आज इस वेशभूषा में हैं। तो बिल्कुल, वेशभूषा में जो है वो बाबा साहब की वजह से है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कुर्ता बहुत सुंदर लग रहा है और जैकेट तो मस्त लग रही है, अगर मेरे आएगी तो कोशिश करूँगा आपसे फोटो कॉपी करा लूँगा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में अच्छी आएगी। क्या लगता है आज का जो महोत्सव था कितना सफल रहा? आज का उत्सव बहुत ही अच्छा लगा, हम 5 साल से बौद्ध उत्सव मनाते आ रहे हैं, भीम ज्ञान चर्चा मिशन से जुड़े हुए हैं और जो भी है सूरजपाल राक्षस की देन है कि जो आज हम यहाँ तक जो इस तक पहुँचे हैं। कुर्ता और उस जैकेट की देन है, वो बाबा साहब की देन है, जो भी अंग है मेरा वो भी बाबा साहब के लिए।
बिल्कुल बाबा साहब के लिए तो हमारा एक एक बूंद एक एक कतरा जो है वो बाबा साहब का ऋणी है। और एक नाम राक्षस राक्षस बहुत देर से सुना जा रहा है, सूरज पाल राक्षस, आखिर ये व्यक्ति कौन है जानते हैं? आपका नाम मुझे लगता है कि सूरज पाल राक्षस है। क्यों इतना राक्षसपन मचा रखा है आपने कि पूरे देश में जहां एक कार्यक्रम होता था वहां आपने अपनी ऊर्जा से पूरी टीम की ऊर्जा से 800 जगह कार्यक्रम किए? मैंने लास्ट ईयर भी आपको एक बात बोली थी तो मैं इसका आपको उत्तर दूंगा। उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को इस पावन पर्व बौद्ध महोत्सव 25 दिसंबर की ढेरों मंगल कामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है 800 कार्यक्रमों का, तो हमने पीछे भी कहा था कि आपके जो कैमरे हैं केवल जहाँ मंच और टेंट और माइक लग रहे हैं उनको ही देख पा रहे हैं, आपको लोगों के घरों तक पहुँचना पड़ेगा। उत्सव का उत्साह अगर देखना है तो आप लोगों की बस्तियों में जाइए, उनकी गलियों में जाइए, उनके घरों पर जलने वाले दीपकों को, उनके यहाँ बनने वाली रंगोलियों को देखिए, उनके यहाँ होने वाली चहल पहल को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी नंबर मायने नहीं रखता, चाहे 800 हो 8000 हो, ये पूरा समाज जो बाबा साहब का ऋणी है, जिसको बाबा साहब ने बुद्धिज्म की ट्रक पकड़ाई है, वो अपनी खोई हुई बौद्ध आइडेंटिटी को हासिल करने के लिए आतुर है। इसीलिए वो वर्ष दर वर्ष बौद्ध महोत्सव मनाते चले जा रहे हैं और ये बौद्ध महोत्सव इस बात का एक जीवंत उदाहरण बनेगा कि भारत के लोग जो कभी बौद्ध हुआ करते थे, जिनसे उनकी संस्कृति छीनी गई, वो अपनी संस्कृति को वापस पाने की चाहत रखते हैं। वो चाहत ही बौद्ध महोत्सव मनाने की प्रेरणा देती है। तो भारत के तमाम वो लोग जो बौद्धिस्टों के वंशज हैं वो पुनर्वापसी कर रहे हैं, बाबा साहब के आदेश पर उनके निर्देश पर अपने प्रतिमानों को खोज रहे हैं, अपने मूल्यों को खोज रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहे हैं, समेट रहे हैं। और ये मूल्य तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम संत गुरुओं और महापुरुषों के हैं जिनमें समता है, मैत्री है, करुणा है और भाईचारा है, कटुता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल और है कि आपने कई सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कई बार हो चुके हैं ये प्रोग्राम, एक एक बार करते हैं और इस बार 800 बार कर दिया, यानी 800 जगह एक ही टाइम में कर दिया, ये तो एक अलग ही चीज है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या अगले साल भी इसी तरीके से कार्यक्रम होगा या कुछ डिफरेंट तरीके से आप इसकी रणनीति बनाएंगे? देखिए मिलिंदर जी, असल में जिनके पास जो चश्मा होता है उसी चश्मे से देखते हैं जी, भाई मिलिंदर हो या और तमाम लोग। असल में अब तक जो चश्मा था वो ये था कि दलितों के बीच में ये जाकर के देखते हैं कि कितने मंच लगे हैं, मंच लगा है तो कार्यक्रम है, मंच नहीं लगा है तो कार्यक्रम नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या उत्सव के लिए किसी से परमिशन लेनी होगी? क्या उत्सव मनाने के लिए हमें मंच लगाने होंगे? नहीं ना, केवल दिन का होना ही पर्याप्त है कि आज उत्सव का दिन है। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी, 93 ईयर है वो, उसी दिन से बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। लोगों को कम जानकारी थी, हम लोग जानकारी दे रहे हैं, लोग मना रहे हैं। हमारा इसमें बस ये रोल है इस टीम का कि ये टीम जाकर के लोगों को बता रही है कि ये तुम्हारा उत्सव है, इसे मनाइए। लोग तो मनाने के लिए सदियों से इंतजार में थे, उन्हें अपने उत्सव चाहिए थे, बुद्धिस्टों के उत्सव। भारत में वर्तमान समय में 25 करोड़ अगर हम अनुसूचित जाति के लोगों को ही बौद्ध मान लें तो उनकी तादाद 25 करोड़ है। तो कम से कम ये 25 करोड़ लोग अपने उत्सव नहीं तलाशेंगे, इनको इनके उत्सव नहीं दिए जाएंगे, ये तो नाइंसाफी होगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले उत्सव हुआ करते थे वो हमसे छीन लिए थे और हम दूसरों के उत्सव में शामिल हुआ हो जाया करते थे और अब हम अपने ही उत्सव मना रहे हैं और भीम ज्ञान चर्चा जो है वो उत्सव को उजागर कर रही है कि ये हमारे उत्सव है, ऐसा ही है क्या? दरअसल उत्सव के बारे में भी लोगों की डिफरेंट राय है और मेरी सबसे अलग राय है जी। उत्सव का मतलब है कोई ऐसा दिन जो बेहद खूबसूरत हो, एक ऐसा दिन जो बेहद ऐतिहासिक हो, जो समाज के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, जिस दिन खुशी मनाई जानी चाहिए। तो ऐसा दिन भारत में विषमता की समाप्ति के प्रयास जिस दिन हुए हों, बाबा साहब ने ऐसे काल कवलित ग्रंथ, ऐसे काले कानून को आग लगा दी, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिन कौन सा होगा? समता और मैत्री की दिशा में बाबा साहब ने कदम बढ़ाया, उसी दिन से भारत में बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हुई। तो ये इतना अच्छा इसका इतिहास है, इतनी अच्छी ऐतिहासिकता है, इतने अच्छे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो उत्सव जो होते हैं वो समाज की भावनाओं के अनुकूल होते हैं, उनके अनुरूप होते हैं। तो इस वृहद और व्यापक समाज की अनुभूति
बौद्ध महोत्सव यानी कि 25 दिसंबर में 100% करेक्ट बैठती है। इससे अच्छा कोई उत्सव इस समाज के लिए हो ही नहीं सकता। हमारे लिए, इस पूरे व्यापक समाज के लिए, जब मूल्य आते हैं, जब अधिकार आते हैं, तो उससे खूबसूरत दिन क्या होगा। तो इसीलिए ये समाज बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होकर के अपने तमाम साधनों और संसाधनों से खूबसूरत वेशभूषा में अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अपने घरों को जितना उम्दा तरीके से वो रोशन कर सकते हैं उतना अच्छा रोशनी कर रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, पकवान पकौड़े बना रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा बढ़ करके वो भाईचारे के लिए एक दूसरे के घर जा करके, उन लोगों के भी घर जा करके जिन्होंने कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उनको भी जा करके मिठाइयाँ दे रहे हैं। जी बहुत बढ़िया बात है कि जिन्होंने हमसे नफरत की थी हमने उससे भी प्यार कर डाला। जी। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तेजी से आप चल रहे हैं, जिस रफ्तार से इतने सारे पूरे भारत में कार्यक्रम हो रहे हैं, जागरूकता हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ही सालों में भारत बौद्ध में हो जाएगा, और अगर कुछ ही सालों में भारत बौद्ध में होगा तो कितने सालों में? देखिए, भारत तो बौद्ध में, डॉक्यूमेंट्री अगर हम देखें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वो तमाम बुद्धिस्ट प्रतीक हैं। जी, जब हम सांस्कृतिक विरासत की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और समाज की तरफ देखते हैं तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो रियल बुद्धिस्ट होना चाहिए, उस तक उसके उत्सवों का उत्साह नहीं पहुंच पाया। जी। अब ये जितना जल्दी पहुंचा दिया जाएगा, लोग उतनी जल्दी सामने खड़े आपको नज़र आएंगे। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में अगर आपको बुद्धिस्ट गिनने हैं तो उस दिन गिनना जिस दिन इस समाज के पास दिवाली और होली की आँख में आँख डाल के बात करने वाला उत्सव आपको पूरे देश में मनता हुआ नजर आए। तो ये बौद्ध महोत्सव, होली दिवाली हो या क्रिसमस डे हो या ईद हो, इनकी आंखों में आग डाल करके बुद्धिस्टों का उत्सव फक्र से सामने खड़ा नजर आएगा आपको। ये हमारे प्रयास हैं। बिल्कुल प्रयास हैं, और प्रयास अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो शायद हम सफलता की सीढ़ी पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये वो टीम है जो एक ही दिन में रिकॉर्ड बना चुकी है, अब तक का बुद्धिस्टों का तो रिकॉर्ड क्या, अदर्स का भी रिकॉर्ड ये है कि ये पूरी टीम जो है एक ही बार में इतना बड़ा धमाका कर सकती है, जो कि जापान में जो परमाणु बम छूटा था शायद वो भी कम रेंज में रहा होगा। इन्होंने तो अपने प्रोग्राम की रेंज ही बढ़ा दी, और जबरदस्त रेंज है, यही वो रेंज है। ये छोटे छोटे से मानव लोग कहते हैं कि दलित, शूद्र और अति शूद्र और एससी एसटी में जो लोग हैं उनको काम करना नहीं आता, ये वो काम है भीम ज्ञान चर्चा का, जो चर्चा ही चर्चा है, और पूरे देश में आज चर्चा ये है कि आज का प्रोग्राम जो है वो कितनी जगह बनाया गया, रिकॉर्ड में 800 तो आ गया है, 800 से ज़्यादा शाम तक कितने पहुँचेंगे ये भी देखे जाएंगे, और तकरीबन 500 से भी ज़्यादा बुद्ध विहारों को सजाया गया है फूलों से और लाइटों से, डिजिटल लाइटों से बहुत ज़्यादा आकर्षित किए गए हैं बुद्ध विहारों को। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करेंगे, मानव मानव से प्यार करेंगे, तो शायद हमें एक दूसरे की ज़्यादा निंदा ना करते हुए भारत जल्दी ही एक सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस टीम की जो कार्यशैली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद काशीराम साहब से प्रेरित हैं, क्योंकि काशीराम साहब भी घर घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे, बहुजन समाज के लिए काम करते थे, और ये वो टीम है जो कि उसी पैटर्न पे चल करके शायद काम कर रही है और जल्द ही भारत बौद्ध में रहेगा। मैं मिलिंद्र गौतम नोएडा से, सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा सेक्टर 11 से निशा जी के साथ, मैं मिलिंद्र गौतम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भीम ज्ञान चर्चा की तरफ से और यूटीवी की तरफ से, टॉप 85 चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत सबकी बहुत 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 मंगल कामनाएं। कम से कहो हम बौद्ध हैं, कम से कहो हम बौद्ध हैं, कम से कहो हम बौद्ध हैं, मारा उत्सव बौद्ध महोत्सव, मारा उत्सव बौद्ध महोत्सव, मारा उत्सव बौद्ध महोत्सव।